जो पिक्चर बना रहे थे वी आर गोइंग थ्रू सो मच डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस, कभी खुश होते थे कभी कुछ चीज़ ठीक नहीं होती थी तो अपसेट हो जाते थे, बट ये सब कुछ सोचा नहीं था, बट इतना मालूम था कि हम लोग पिक्चर को बना रहे हैं जो हम सब वी ऑल बिलीव थे, यू नो कोई कमर्शियल टाइप ऑफ पिक्चर नहीं बना रहे हैं जिसमें अजीब से डबल मीनिंग डायलॉग्स होंगे या उठपटांग गाने या नाच या क्रूडिटी कुछ ऐसी, वी डिडंट वांट टू पुट ऑल दैट इन द फिल्म. तो हम इतना मालूम था कि ऑल द एनर्जी इज गेटिंग इनटू मेकिंग अ ऑनेस्ट एंड अ ट्रू फिल्म. एंड बाद में जब सो मच ऑफ एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एंड कुछ अच्छा लगा. किस हद तक कामयाब होगी ये तो मैं नहीं कह सकती थी ना सोच सकती थी, लेकिन सनी के बारे में मुझे ये विश्वास ज़रूर था कि इस फिल्म में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को बहुत पसंद आएगी. और मैंने कुछ जब भी किसी ने मुझसे पूछा मैंने इस बारे में कहा भी फिल्म के रिलीज से पहले. ज़्यादातर जैसे पापा की पिक्चर देखता था तो जिस दिन से उसने मुझे कहानी सुनाई एंड आई कुड सी दैट व्हाट इज ट्राइंग टू नरेट मी इज समथिंग वेरी नाइस एंड समथिंग वेरी डिफरेंट. I took him to dad, he was shooting in Rajasthan. Dad also felt the same way, horror film. We went along with it. मैं धर्म जी, सनी और राजकुमार संतोषी को क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स इतने अच्छे तरीके से संभाले. और लेकिन बाकी लोगों का भी अच्छा योगदान रहा है.